नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करेंगे जील की, यानी जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड की। थंबनेल पे आपने बिल्कुल सही देखा, एनसीएलटी ने फाइनली ऑर्डर दे दिया है और यहाँ पर जो आईआरपी के लिए बोल दिया है और इवन आईआरपी जो है वो गठित भी कर दी है। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, जो मामला है मात्र 83 करोड़ रुपये का है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जद्दोजहद चल रही है और आप ऐसा नहीं कि ये पे नहीं कर सकते। देखिए, इनके पास रिजर्व 10,000 करोड़ से ऊपर के हैं। अभी आप देखेंगे वीडियो को अंत तक तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी जो ये लड़ाई चल रही है ये लंबी खींचने वाली, मैं बता दूं। अगर ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, पे कर देते हैं, तो मामला वहीं रफा दफा हो जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा और वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में सब कुछ आ जाएगा। लेकिन अभी ये NCLAT में पहुंच गए हैं, समझ रहे हैं आप? NCLAT की बात हो रही है, अपीलेट ट्रिब्यूनल है ये। जब NCLT में आप सेटिस्फाई नहीं होते तो NCLT से आप कहां जाते हैं? NCLAT जाते हैं। तो वही फिलहाल अभी ये जो कहां चले गए हैं, NCLAT में चले गए हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, अब एक चीज़ और समझ लीजिए, जो सोनी और इनका जी का मर्जर होने वाला था ना, अब ये मामला यहाँ पर थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आएगा और चीज़ें अभी हो सकता है लंबी खींचें। क्योंकि NCLT ने अगर ऑर्डर दिया है तो आप मान के चलिए NCLAT में भी हो सकता है कि इनके अगेंस्ट ही ऑर्डर आए, फिर हो सकता है ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट जाएँ या फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें और ये जो मामला है 83 करोड़ रुपये का लगभग उसको सेटल करते हुए नज़र आएँ। तो रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको पता है डीप एनालिसिस हम लोग करते हैं, सब कुछ पूरी न्यूज़ देखते हैं, शॉर्ट में देखेंगे और लास्ट में हम लोग चार्ट भी देखेंगे और आपको मैं इसके थोड़े कुछ फंडामेंटल भी दिखाऊंगा, जहां पर आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि क्या आपका पैसा डूबेगा या बचेगा। और उससे पहले ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो इसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर जो भी न्यूज़ वगैरह होती है मैं सब कुछ पहले डाल देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी होती हैं, और अपने यूट्यूब वीडियो के लिंक यहाँ पर शेयर करता हूँ। टिप वगैरह मैं देता नहीं हूँ और ना ही मैं विश्वास रखता हूँ, है ना गाइस? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम उस लेटर को देख लेते हैं जो जील ने लिखा है, इन्फॉर्मेशन दी है BSE और NSE को, 22 तारीख को लिखा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लियर कट, जो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखिए सेक्शन सेवन के अंदर जो होता है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं, सेक्शन 9 जो होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं। तो सेक्शन 7 के अंतर्गत किसने, इंडसइंड बैंक ने यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करी थी जिसको एडमिट कर लिया। अगर आप देख पा रहे हैं कोर्ट 2016, द ऑनरेबल NCLT लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच हैज़ प्रोनाउंस्ड इट्स ऑर्डर डेटेड 22 फरवरी 2023 एडमिटिंग द कंपनी टू कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। बिल्कुल यहाँ पर CIRP के तहत जो क्या कहते हैं अब प्रोसेस चलेगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, अब जैसे ही यहाँ पर ये ऑर्डर आ गया ना तो अब सारी चीज़ें मॉरेटोरियम लागू हो जाता है, समझ रहा? मॉरेटोरियम का मतलब कि अब फिलहाल कुछ भी लेन देन या कुछ भी सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं जब तक इनको NCLAT से कुछ रिलीफ ना मिले, सारी चीज़ें जब तक सही ना हो। तो अभी यहाँ पर मामला, अब ये और कोई डील भी नहीं हो सकती, सोनी और ये वाली जो आपकी डील है जील वाली, ये जी वाली जो मर्जल वाला सब कुछ चला है, तो ये भी एक तरह से मान के चलिए तब तक रुका रहेगा जब तक ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर लेते हैं, पैसा चुका नहीं देते हैं या फिर NCLAT से कुछ इनको रिलीफ मिल जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या, उधर वो न्यूज़ आई, NCLT ने वहाँ पर ऑर्डर दिया कि भैया हाँ आपका CIRP चालू होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दी एंटरटेनमेंट पुनीत गोयनका मूव्स NCLAT अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी ऑर्डर। आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, NCLT और NCLAT में कन्फ्यूज मत होइएगा, है ना? और ये आज की न्यूज़ है, 23 फरवरी की लगभग 3:30-4 बजे की ये न्यूज़ है। अब यहाँ पर भैया वही लिखा हुआ है कि पुनीत गोयनका साहब जो है वो कहाँ पर चले गए हैं, NCLAT में चले गए हैं। किसके खिलाफ? इंडसइंड बैंक के खिलाफ, जो उन्होंने 83 करोड़ रुपये का मामला पहुँचाया है। और देखिए आगे क्या है कि गोयनका साहब कह रहे हैं कि जो जितने भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो लिए जाएंगे, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ जी एंटरटेनमेंट एंड टू अचीव टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रपोज्ड मर्जर विद कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। बिल्कुल, तो यहाँ पर इनका कहना है कि भैया जो जो नेसेसरी स्टेप्स वगैरह हैं अब शेयर होल्डर्स के जो इंटरेस्ट को बचाने के लिए या जो भी सारी चीज़ें हैं, डील जो है समय रहते हो जाए, वो सारा जो भी कुछ बन पड़ सकता है इनसे, वो सब यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर वही बात बताई जा रही जो अभी आपने देखा कि भैया यहाँ पर इनिशिएट कर दी गई है CIRP और जो भी सारी चीज़ें हैं वही यहाँ पर बताई जा रही है। अब ये देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बोला, दिस वुड पॉसिबली डिलेइंग अ मर्जर विद द लोकल यूनिट ऑफ जापान सोनी ग्रुप। तो यहाँ पर जो बता रहे ना वही कि भैया इसकी वजह से जो है मामला जो थोड़ा सा है वो डिले हो सकता है, है ना? और ये खैर फालतू चीज़ें लिखी उस पर हम लोग ज़्यादा समय बैंक वेस्ट नहीं करेंगे। अब इंडसइंड बैंक की जो प्ली है वो भैया आप जानते ही हैं कि उसमें क्या क्या मामला है, और 83 करोड़ रुपये का यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि भैया 83 करोड़ रुपये का मामला है जो ये पे नहीं कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो रानी साहब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया अगर जी चाहे तो अपना जो मर्जर है उसको जल्दी करने के लिए, ताकि मतलब काम फटाफट हो जाए, तो ये अपना सेटल कर सकते हैं मामला, क्लेम जो है वो इसको क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट से सेटल कर सकते हैं। लेकिन अब वो चीज़ें मुझे ऐसा नहीं लगता कि पॉसिबल है, क्योंकि अभी NCLAT में चले गए। अगर यहाँ पर इनके ऑर्डर विपरीत इनके आ गया था तो ये चाहते तो कर सकते थे, और 83 करोड़ रुपये इनके लिए फिलहाल मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। लेकिन अब जो भी इनकी इंटरनल टसल चल रही हो वो तो खैर सबको नहीं पता चलेंगी।
यहाँ पर वही सब बताया गया कि अच्छा खासा गिर चुका और आज लगभग 199.98 पे बंद हुआ और लगभग 17% 18% यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो इस पर हम लोग अब ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, केवल अब काम की चीज़ पे आते हैं। देखिए यहाँ पर मोटा मोटा आप चीज़ों को समझिए, देखिए क्या मार्केट कैप कितना बड़ा है, 19,090 करोड़ का मार्केट कैप आपको क्लियर कट दिख रहा है। ROC की बात करेंगे तो 14.9% है और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 10% बढ़िया है। डेट की अगर आप बात करेंगे यहाँ पर तो कितना दिख रहा है, मात्र 300 करोड़ का डेट दिख रहा है, समझ रहे हैं आप बात को। और डेट टू इक्विटी देखिए 0.03 है। तो ये बताइए जब कंपनी इंसॉल्वेंसी की तरफ जाती है तो जनरली डेट की वजह से जाती है, तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी आप देख रहे हैं और मात्र 83 करोड़ का मामला है। आप यहाँ पर देखिए ये रिजर्व देखिए कंपनी के पास सितंबर 2022 में कितने का 10,776 करोड़ के रिजर्व हैं, उससे पहले 10,767 करोड़। तो मतलब ये हर क्वार्टर में अपना उतना रिजर्व बढ़ा ले रही है जितने का मतलब लोन जितने का है नहीं, उससे बहुत ज़्यादा तो हर क्वार्टर में अपने रिजर्व बढ़ा रही है। तो चाहे तो पे कर सकते हैं, है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं कि क्या टसल चल रहा है क्या नहीं। वॉल्यूम की अगर आप बात करेंगे तो क्या बम्पर वॉल्यूम है जिसने जनरेट किया, 8 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट किया है और लगभग 40-50% के बीच में आप मान के चलिए यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज रहता है। 1 मंथ का देखेंगे तो 40% और 1 वीक का देखेंगे तो 47% है। अगर हम 40% पकड़ लें तो लगभग 3,20,00,000 शेयर आज यहाँ पर लोग अपने घर लेके गए हैं, अच्छे खासे लेवल पे लोगों ने इसको उठाया है। बात करते हैं इसके चार्ट की, तो देखिए अपना जो इसका पिछला वाला यहाँ पर ये वाला मामला था ना, यहाँ से इसने बाउंस बैक दिखाया था और ऊपर तक गया था और उसके बाद फिर से यार नीचे आया और अपने लगभग 2021 वाले लेवल पे यहाँ पर आज आपको ये आता हुआ दिखा है, है ना। 175-76 तक लगभग आ गया था, फिर वहाँ से बाउंस बैक दिखा गया और 199.20 रुपये पे ये लगभग बंद हुआ है, 200 रुपये नहीं तोड़ पाया। तो अभी आप मान के चलिए देखिए 200 रुपये किसका एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन के आता है जो टूटा और आज फिर वो रेजिस्टेंस बन गया। कल अगर 200 रुपये के ऊपर रुकता है ये सस्टेन करता है, कल क्या एक दो दिन में अगले मंडे तक सस्टेन करता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से कि आप इसको उठाया जा सकता है और यहाँ पर भी आपको एक अच्छा मूव ऊपर आता हुआ देखने को मिल सकता है मेरे पर्सनल व्यूज़ के हिसाब से। RSI की बात करेंगे तो 23.78 है, घनघोर ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में नज़र आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं इसको तो यहाँ पर उठा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे बार बार बताता हूँ कि गाइस आई एम नॉट अ सेवी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, वीडियोस प्योरली आपकी एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं। मैं अपने पर्सनल व्यूज देता हूँ, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, साफ साफ कहता हूँ। अब ये वाली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया मूव के बाद ये लगातार गिरावट, और ये अगर आप देखेंगे ये वाला जो मामला है ये वाला 180-90 की रेंज जो है ये आपको एक अच्छा सपोर्ट निकल के आता है जहाँ पर आज इसने सपोर्ट भी लिया। और कहीं अगर आपको खुदा ना खास्ता 150 रुपये पे आपको आता हुआ मिलता है ना, अगर 150 रुपये में मिलता है तो मेरे हिसाब से इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी फिलहाल उठाने की शेयर की, और आपको ये लंबे समय में बढ़िया रिटर्न देने की हिम्मत रखता है एज़ पर माई पर्सनल व्यूज़। RSI की बात करेंगे तो 32.24 है जो कि अच्छा खासा यहाँ पर कमज़ोर नज़र आ रहा है। मंथली लेवल पर बात करेंगे तो एक समय ये लगभग 500-550 के ऊपर 600 के करीब यहाँ पर था, उसके बाद लगातार गिरावट कई महीनों से गिरने के बाद फिर यहाँ पर आपको एक जंप दिखा था, ये वाला जंप अच्छा है, मूव अच्छा था, लेकिन फिर से आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आपको देखेंगे अगर कायदे से देखेंगे तो यहाँ पर एक पिछले एक दो महीनों से लंबे समय की बात हो रही है, ध्यान दिखेगा यहाँ पर आपको एक नीचे की ओर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर आपको मामला नीचे जाता हुआ दिख रहा है। RSI की बात करेंगे तो 41.67 है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर ये गिर सकता बहुत ज़्यादा तो 150 रुपये तक, मुझे ऐसे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा नीचे गिरेगा। हालांकि माइट भी कि ये 200 रुपये से यहाँ से बाउंस बैक दिखा के और ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो गाइस मेरे पर्सनल व्यू आप सभी को पता है, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, मैं साफ साफ बोलता हूँ। अच्छा, फ्री में अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एस्प्रेसो बाय शेयर खान और LIS ब्लू किसी में भी खुलवाना चाहें लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।